अवैध शराब कारोबार पर नकेल कसने की तैयारी। शिंदे सरकार मुखबिरों का नेटवर्क बनाने पर कर रही विचार। महाराष्ट्र सरकार अवैध शराब कारोबार पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है। मंत्री शंभूराज देसाई ने सोमवार को विधानसभा को इस बारे में सूचित किया। उन्होंने कहा कि सरकार अवैध शराब कारोबार के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए मुखबिरों का एक नेटवर्क स्थापित करने पर विचार कर रही है। राज्य के आबकारी मंत्री शंभूराज देसाई विपक्ष के नेता अजीत पवार द्वारा शराब कारोबार पर सरकार द्वारा उठाए गए कड़े कदमों के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह पुलिस के पास मुखबिरों का नेटवर्क होता है, उसी तर्ज पर हम एक मुखबिरों का नेटवर्क स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। देसाई ने कहा कि यह मुखबिर जिलों में चल रहे अवैध शराब कारोबार की जानकारी देंगे। सूचना देने वालों को पुरस्कार के रूप में पैसे भी दिए जाएंगे। प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पूछते हुए पवार ने सुझाव दिया कि राज्य के आबकारी विभाग के पास अवैध शराब के कारोबार को रोकने के लिए मुखबिरों का एक नेटवर्क हो सकता है, और जब उन्होंने यह विभाग संभाला था तब इस आशय के प्रस्ताव पर चर्चा की गई थी। उन्होंने कहा कि इन मुखबिरों को जरूरत पड़ने पर लाखों रुपए का भुगतान किया जा सकता है, क्योंकि अवैध शराब के कारोबार से राज्य सरकार को करोड़ों रुपए के करों का नुकसान हो रहा है। देसाई ने आगे कहा कि मुखबिरों का एक नेटवर्क स्थापित करने के अलावा सरकार एक क्षेत्र में अवैध शराब कारोबार के मामलों की सूचना मिलने पर जिला स्तर के अधिकारी को जिम्मेदार ठहराने के विकल्प पर भी विचार कर रही है।